फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया पोस्ट का जो इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना होता है उसकी डेडलाइन 3 महीने के लिए 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई। यानी कि 3 महीने के लिए जो भी आपको प्रीमियम देना था उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। टेकिंग नोट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इंडिया पोस्ट ऑन सैटरडे एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ पेइंग प्रीमियम फॉर द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI एंड द रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि RPLI, दोनों भी स्कीम्स के अंदर वहाँ पे जो इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट थी उसको 3 महीने की जो इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है आपको उसको 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। द पोस्टल डिपार्टमेंट सेट देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन अक्रॉस द कंट्री इन व्यू ऑफ द थ्रेट पोज बाय द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 एंड एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड एंड ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू हैव इशूड सेवरल एडवाइजरीज एंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। सो यहाँ पे जो भी जनरल पब्लिक है उनकी मूवमेंट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो जो भी प्रीमियम की पेमेंट की ड्यू डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। एज ए मेजर ऑफ कन्वीनियंस टू ऑल द पॉलिसी विच आर द बोथ टाइप ऑफ द कस्टमर विच आर द रूरल एंड एज वेल एज द सिटी कस्टमर्स, डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हैज़ गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ देयर ड्यू प्रीमियम फॉर द मार्च, अप्रैल एंड मई अप टू 30th June 2020 विदाउट चार्जिंग एनी पेनल्टी और डिफॉल्ट फी, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेड इन ए स्टेटमेंट। यानी कि जो भी आपका मार्च, अप्रैल और मई का जो प्रीमियम देना है वो आप 30 जून तक दे सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी और विदाउट एनी डिफॉल्ट फीस। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा देर आर 64.62 लाख पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड 2.5 crore लाख रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वर एक्टिव इन द मार्च इटसेल्फ। द बेनिफिट्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विच हैव रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड टू द प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड कंपनीज ऑफ NSE एंड BSE इन अक्टूबर 2017। यानी कि जो पहले जो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल था, अब इसको प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि एम्प्लॉयज़ लिस्टेड कंपनीज़ के हैं, जो कि लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। द रेजिडेंट्स पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इज इन्वेस्टिगेट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज इन जनरल एंड टू बेनिफिट द वीकर सेक्शन एंड द वुमेन वर्कर्स ऑफ रूरल एरियाज इन पर्टिकुलर। जो रूरल स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ जो रूरल एरियाज के वुमेन्स हैं या फिर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ कस्टमर्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग पोस्ट ऑफिसेज फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम पेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मैनी पोस्ट ऑफिसर आर फंक्शनल एज ए पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। सो जो ऑफिसेज हैं वो फंक्शनल तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो रीच नहीं कर पा रहे हैं प्रीमियम की पेमेंट के लिए। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बिकॉज द डिपार्टमेंट हैज़ एडवाइज कस्टमर रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल टू पे प्रीमियम ऑनलाइन यूजिंग द PLI कस्टमर पोर्टल, द स्टेटमेंट सेड। सो यहाँ पे जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पे जो कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन कर रखा है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो उनके पोर्टल पे पेमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।